ॐ जगन्नाथाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमः कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः कृष्णाय। हे परम पिता, सर्वनियंता ईश्वर, दुखीर तुम्हें हूँ दरदी बंधु। तुम बिना ये संसार माने किछि नाही। तुम्हें हूँ सर्वस्व, तुम्हें हूँ श्रेष्ठ। तुमर आदि अंत कहीं के भी पाईनी। तेणु हे जगतर नाथ जगन्नाथ कला शांत मणिमा, तुम चरण तले एपा मोर अधम शत शत प्रणाम जनावि। प्रभु ए संसार रे सुख भरी दियो। तुमर सत्ता पाइबापाई केते जे भक्त तांकर आखिर लुह को निगाड़ी निगाड़ी संसार मुक्ति पाई, किंतु तुम्हें तांकु दर्शन दियो कि न दियो, से तुमको छाड़ पारे। तुम चरण बिना ये संसार रे गति नहीं कि मुक्ति नहीं। तुम्हें हूँ जगतर नाथ दुखीर दरदी बंधु। तुम नाम हृदय मध्य जपिबा क्षण देहरे सात सिंहार बल माड़ी आसे। तुमरी नाम को स्मरण करी करी गोटी पंगु मध्य गिरी उल्लंघन करी पारुछि। तुमरी नाम को उच्चारण करी दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि परिणत होइछि। तुमरी नाम सर्वश्रेष्ठ। हे जगन्नाथ प्रेमी भाई भौनी माने, आज शुभ सकाळ रे श्री जगन्नाथ नाम को आम हर जपिबा। संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहर सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। हे जगन्नाथ, तुम्हें ही ए कलीर संसारर मूलाधार। तुमर से मंद मंद हस बांक चाहणी मनीष हृदय रे शक्ति जाग्रत करे। तेणु आज से भागवत महात्म्यर विधि पूर्णच्छेद पकाइबी। श्री जगन्नाथ प्रेमी भाई भौनी मानंकु भागवत सप्ताह विधि कहिबाकु चाहूँचि। जे माने दारिद्र्यतारे दुखरे ज्वर ज्वाळारे दग्ध होउछन्ति, सेमाने माया पिशाचिनी द्वारा कबळित होउछन्ति। जेउ माने संसार समुद्र रे बुड़ी जाउछन्ति, सेमानकर कल्याण पै श्रीमद् भागवत सिंहनाद करुछि। सैन्यक देव पचारिले, हे सुतमुनि श्री शुकदेव राजा परीक्षितंकु तथा गोकर्ण धुंधुकारीकु एवं सनकादि नारदंकु केउं केउं समय रे श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुनाइथिले, एहा कहि मोर ए संशय को दूर करंतु। सुतमुनि कहिले, भगवान श्रीकृष्णंकर स्वधाम को फेरी जिबा परे कलिजुगर 20 वर्षर किछ अधिक समय अतिवाहित होइ जाइथिला। सेही समय रे भाद्रव मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि शुकदेव श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करिथिले। ओ ताहार इंद्र उत्सव पूर्णिमा दिन पूर्णता प्राप्ति होइथिला, जो पूर्णिमा की श्रीमद् भागवत जन्मर पूर्णिमा अटे। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा शुणा पर 200 वर्ष परिक्रम होलापर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि गोकर्ण श्रीमद् भागवत कथा शुणाइले ओ ताहा व्यास पूर्णिमा दिन पूर्णता प्राप्ति होइथिला। तस्मादपि कलौ प्राप्तौ 300 वर्ष गते सती ऊचुहु रुचे सीति पक्षे नवम्यां ब्राह्मण सुताहा। गोकर्ण कथा श्रवण कराइबार 30 वर्ष बीतिगला परे कलिजुग कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि सनकादि भागवत कथा आरंभ करिथिले ओ ताहा राहास पूर्णिमा दिन पूर्णता प्राप्ति होइतला। हे निष्काम निष्पाप सैन्यक मुनि, आपण जहाँ किसी पचारे तार उत्तर मु आपण को देदेली। ये कलिजुगरे श्रद्धा आउ निष्ठार सहित धैर्यर सहित
आम ए विधि को जदि पालन करवा तेब आमर मनोरथ निश्चय पूर्ण हो। श्रीमद् भागवत कथा भव रोगर विनाशकारी औषध अटे। हे संथजन आपण माने आदर सहित श्रीमद् भागवत कथार मृत को पान करंतु। एहा श्रीकृष्णंकर अत्यंत प्रिय संपूर्ण पापनाशकारी मुक्तिर एकमात्र कारण एवं भक्ति वर्धनकारी। ए लोकरे अन्यान कल्याणकारी साधन तथा तीर्थ सेवनर कौन बालाप थाईपरे। भागवत ग्रंथ ही सर्वश्रेष्ठ। दूतर हस्तरे पास देखी जमतार कर्णमूलरे कहे देख जो मैंने श्रीमद् भागवत कथबार्तार मत होती तुम्हें दूर रु दंड देवा अधिकार रही किंतु श्रीमद् भागवत प्रिय वैष्णव मानी नुह। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधीय क्षणार्धम क्षणा क्षमार्थम पिबत सुकगाथा तुलिसुधा किमर्थम व्यर्थम भो व्रजम कुपथे कुश्चित कथे परखित साखी जत श्रवणगत मुक्त्य कथा ने। यही आसार संसारे विष रूपक विष आसक्ति कारण व्याकुल होता बुद्धिमान पुरुष विनिजोग करुवा समय को अर्धक्षण मात्र निज कल्याण उद्देश्य यही सुख कथा रूपे अनुपम श्रीमद् भागवत रस को पान कर। स्नेहर भ्राता निंदनीय कुपथरे कहीं भ्रमण करुच यही श्रीमद् भागवत कथा कर्ण रे प्रवेश कला मात्रे मुक्ति मिली जीव। यही कथार साखी हेउछंती राजा परखित श्री सुखदेव प्रेम रसरे स्थित होई श्रीमद् भागवत कथा को कहिले। ये श्रीमद् भागवत जहाँ कंठ सहित संबंध हो जाए से वैकुंठ र स्वामी हो जाए। हे सौनक देव मु अनेक शास्त्र देखी आपण को यही परम गोप्य रहस्य वर्तमान सुनाइली। समस्त शास्त्र र सिद्धांत श्रीमद् भागवत रस अटे। संसार यही सुख मुखरु निसृत बाणी श्रीमद् भागवत शास्त्र अत्यंत पवित्र अटे। कौनसी एणु आपण माने परमानंद प्राप्ति पाई एही द्वादश स्कंद रूपक रस सेवन करंतु। एता जो नियत या शुणति भक्त्या जस्मनम कथायति शुद्ध वैष्णवाग्रे। जो पुरुष नियमपूर्वक श्रीमद् भागवत कथा भक्ति सहकार श्रवण करे एवं जे सुधांतकरण श्रीमद् भागवत कथा रस भक्त सम्मुखरे सुनाए एही श्रोता एवं वक्ता दुईटी ही विधि संपूर्ण पालन करिबा हेतु यार यथार्थ फल लाभ करती। यहाँ त्रिलोक कौन से असाध्य रहे ना। यह श्रीमद् भागवत महात्म्यर कथा वस्तु विधि आम विधि सहित पालन करी निष्ठार सहित से परमात्मा को जदि आम स्मरण करवा आम समस्त कलुषर मुक्ति हवा। आम जदि दुई हाथ टेकी से भागवत को निरंतर हृदय लगाई प्रतिदिन पठन करवा तेबे समस्त कलुष नष्ट होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोध्याय। भीमस्यापि रणिभंगो मुनिरपि मतिभ्रम जदि सुध मसुधम्बा मम दोष न विद्यते। ओं जगन्नाथाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हे जगन्नाथ प्रेमी भाई भौणी माने आज ये शुभ अवसर रे मोर यही श्रीमद् भागवत महात्म्य को विराम दे आगामी एपिसोड रे मो विष्णुंकर पुराणरु आपण मानक किछि किछि सुनाइबी। जय जगन्नाथ जय पंचसखा त्रुटि थिले क्षमा करिबो।